एक फार्मा फैक्टरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 14 ਲੋਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 4 ਲੋਕ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਬਰ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ फार्मा फैक्टरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਫਿਊਮ फैक्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ अचानक अग लग गई थी जिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ जा रहा कि करीब 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ दर्दनाक मौत हो गई थी। हालांकि उस समय ਦੀਆਂ जो ਤਸਵੀਰਾਂ सामने आई सन अग लगन ਦੀਆਂ ਉਹ अपने आप ਦੇ ਵਿੱਚ काफ़ी रूह कंबाऊ सन क्योंकि अग ਦੀਆਂ उची उची उठ रही ਲੱਟਾਂ खुद बयान कर रही सन कि अग ਕਿੰਨੇ ਹੀ भयानक तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ हुई थी। पर ठीक उस तो कुछ दिन बाद ਹੁਣ एक होर खबर उसी इलाके तो सामने आई है जिथे कि एक फार्मा फैक्टरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 14 ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਮਾਰੇ ਕੋਟਿੰਗ ਮਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਸੇ ਹਮ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਤੋ ले जाते समय लिफ्ट में जाके फर्स्ट फ्लोर पे ट्रॉली पे रखा हुआ था और स्टील के ड्रम में था और ड्रम बाय चांस लड़के से पलट गया। पलटने की वजह से नीचे फैल गया वो और HU के सर्कुलेशन से वहाँ काम कर रहे पूरे सेक्शन में फैल गया। तो पैकिंग सेक्शन में जो लड़कियाँ काम कर रही थी उनको थोड़ी सी तेज तीखी स्मेल आने लगी तो उनको दिक्कत महसूस हुई तो हमने उनको बाहर निकाल दिया और उनको बाहर निकाल के पानी वानी पिलाया। हमने फटाफट गाड़ी में डाल के उनको हॉस्पिटल में डाल दिया, बद्दी हॉस्पिटल भेज दिया। बद्दी हॉस्पिटल भेजने के बाद उन्होंने कहा कि थोड़ी सी दिक्कत है तो हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं तो उन्होंने PGI रेफर कर दिया और उन लोगों को PGI में हमने पहुँचवा दिया। वहाँ से सारी इलाज हो रहा है, हमारे MD सर भी वहीं हैं। कितने अफेक्टेड लोग थे सर टोटल? टोटल मेरे ख्याल से 10 तो PGI में और 4 ESI हॉस्पिटल में बद्दी काठा में। और इसकी सर सूचना पुलिस थाने में दी गई है सर? सर हमने इतनी जल्दी थी कि उनको ESI और मतलब मेडिकल सुविधाएं देने की वजह से हम थोड़े से भागदौड़ में हो गए और ये हो नहीं पाया। जब तक फिर PGI से इन्फॉर्मेशन आ गई थी बद्दी बरोटी वाला पुलिस चौकी में, वहाँ से एक सर आए हुए थे, उन्होंने सारा देख लिया। देखिए हमारे इसमें फायर का कुछ नहीं था, एक लिक्विड है ये। लिक्विड कौन सा लिक्विड था सर? ये मेथिलीन डाई हाइड्रोक्लोराइड होता है, कोटिंग मटेरियल में काम आता है और ये स्प्रे करते हैं टैबलेट के ऊपर, स्प्रे करते हैं टैबलेट को कलर बनाने के लिए, कलर उसके ऊपर किसी कलर का बनाते हैं। वाइट टैबलेट होगी उसको ग्रीन ब्लू रेड जैसा हो उसमें घोल के सॉल्वेंट है ये तरह से और उसमें कोटिंग मटेरियल डालते हैं और तब गन से इसको स्प्रे करते हैं टैबलेट के ऊपर ताकि टैबलेट के बिटरनेस खत्म हो जाए, कड़वापन खत्म हो जाए और आदमी उसको आराम से इनहेल कर सके। नाजिरा कौन सी कंपनी में हो? क्या हुआ था? दवाई की खुशबू आई थी तो बेहोश हो गए थे कुछ बंदे, कुछ बाहर आ गए थे तो गुड्डू भैया ले आए थे गाड़ी में और कुछ हमारे ठेकेदार और सुपरवाइजर ले गए थे यहाँ पे। वे PGI में हैं और हम यहाँ पे। कितने बंदे थे टोटल? बतेरे थे ऊपर के पूरे प्लांट के। क्या हुआ था आज? कंपनी में कुछ महक सी आई थी तो दिल घबराने लगा था सबका, तो सब लोग बाहर आ गए थे तो दिमाग को चढ़ गई थी सबके। फिर उसके बाद में कुछ लोग बेहोश भी हो गए थे, फिर हॉस्पिटल आ गए थे लेके कुछ जनों को। हॉस्पिटल कौन लेके आया आपको? हॉस्पिटल मतलब ठेकेदार ही लेके गए थे और कंपनी के ही थे सुपरवाइजर और HR मैडम, ये सब जने लेके भाग गए थे। कंपनी का क्या नाम है? निक मीन।